और प्रदीप जी कैसे हो? तो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। तो आज है होली का अगला दिन, तो अभी मैं जा रहा हूँ गाइज बुरावाला, फिर जाऊँगा मैं वहाँ पे लोधी माजरा में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा राशन कार्ड का काम है, क्योंकि हमारा राशन कार्ड है जो वो कल से खोया हुआ, मिल ही रहा, तो हम अब नया ही निकलवा लेंगे वहाँ से। तो अभी तो हम जा रहे हैं मासी के घर बुरावाला, फिर वहाँ से हम शायद जाएंगे वहाँ पे गाड़ी धुलवाने के लिए, क्योंकि गाड़ी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी है। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम मासी के घर में। और प्रदीप जी कैसे हो? तो गाइस जो यहां पर काम था वो हो चुका है, तो अब चलते हैं गाड़ी धुलवाने के लिए रोटी वाला। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं यहां पर गाड़ी धुलवाने के लिए, अब बस थोड़ी देर में हमारे गाड़ी का नंबर धुलने के लिए लग जाएगा। फाइनली गाइस गाड़ी धुल चुकी है, तो अब हम जा रहे हैं घर के लिए। तो गाइस यहां पर आ चुके हैं हम राशन कार्ड बनवाने के लिए, लोकप्रिय मित्र। तो गाइस यहां पर थोड़ा टाइम लग रहा है, यहां पे अभी थोड़ी देर में निकली जाएगा राशन कार्ड, लेकिन हमारे साथ क्लोज हो चुकी है। हम आए तो गाड़ी में थे, लेकिन जा अब बाइक पे रहे हैं, क्योंकि मेरा भाई जो है लक्की वो ले चुका है, गाड़ी ले चुका है कहीं को गया है वो, तो इसलिए अब हमें बाइक पर जाना पड़ेगा। तो गाइस हमारा राशन कार्ड जो है बन चुका है, अब तो वैसे कार्ड टाइप में आने लग गए, पहले नहीं तो कॉपी लेनी पड़ती थी, वैसे वो होता था राशन कार्ड, अब तो सिर्फ एक सिंपल ATM जैसा कार्ड होता है। गाइस अब चलते हैं घर को बाइक पर। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अब घर पर, तो अभी देखते हैं आगे क्या शुरू करते हैं, बाकी शायद लोधी माजरा का जो प्लान था वो कैंसिल हो जाए या फिर जाना है वो टाइम के साथ पता चल जाएगा आपको। तो गाइस अभी बज चुके हैं 12, तो इस टाइम डैडी के लिए लंच लेके जा रहा हूं मैं, तो आपको वहीं का दिखाते हैं। पकड़ो भाई, तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। और डैडी जी कैसे हो? तू बड़ा वो करने लग गया है यहाँ पे, हैं आराम करने लग गया। तो हम भी यहाँ पर थोड़ा सा ले लेते हैं पक्खे की हवा, गर्मी बहुत हो चुकी है तो पक्खा तो जरूरी है। तो बाकी गाइस चलते हैं अभी थोड़ी देर में यहाँ से घर के लिए। पीछे है देरा बोलते जाती बार कांगड़े से पीछे है। हां या साउथ को दीता है पर
फिर आ जा तीन दिन ही खाऊंगे बाबू सरवण बैठा आ जा बाद पखा लाया और मुंती कौन कौन आया फिर कितनी देर लानी। तो गाइस आज डैडी जी की पोस्ट मैंने ले ली है, तो आज डैडी जी का काम मैं ही देखूंगा सारा। यहाँ पे सभी की एंट्री मैं ही करूँगा जो कुछ भी है यहाँ पे। और ये मेरा पार्टनर है, अरे भाई थोड़ी हेल्प कर देना यार। तो गाइस हम थोड़ा इधर की तरफ आ चुके हैं, यहाँ पर भी कुछ ऑफिसेज है। थोड़ी सी वीडियो बनानी बस ऑफिस की। तो गाइस आज हम डैडी के यहाँ पे आए हुए थे, स्टाफ मेंबर मिले हमें बहुत सारे, तो हमने उनसे अपने चैनल सब्सक्राइब करा लिए। दो तीन चैनल थे मेरे, मैंने भाई साहब चैनल सब्सक्राइब करा लिए उनसे। तो यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है, एक तो मुझे हाँ यहाँ वैसे अच्छा व्यू आ रहा है, थोड़ा हरियाली रैली टाइप है। यहाँ का सारा काम खत्म हो चुका है, हमने चैनल सब्सक्राइब करा लिया। अब चलते हैं हम घर को, अब चलते हैं बाइक पे। तो गाइस वहाँ से तो मैं कब का आ चुका था, आते ही मैंने खाना खाया और मैं सो गया था। तो अभी बज रहा है 7 और मैं जस्ट अभी भी उठा हूँ रात, और उठते ही मैं चाय पी रहा हूँ। इस टाइम चाय पीने के बाद थोड़ा सा बाहर चलते हैं, बाहर का माहौल देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। इस बाहर का इस टाइम कुछ ऐसा माहौल है, रात हो चुकी है पूरी। अब तो जो यहाँ पर लाइट बड़ी अच्छी चल रही है यहाँ पे इस टाइम रात को ना, वैसे व्यू अच्छा आता है लाइट का। और गाइस यहाँ पर देखो ये उड़ चुका है रिचार्ज ख़त्म, तभी आज शांति है थोड़ी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो पहले हम लोधी माजरा का प्लान था हमारा, तो वो कैंसिल हो गया तो नहीं जा पाए। लेकिन आज हमने मतलब कि गाड़ी धुलवाने गए थे और हम अपने डैडी के स्टाफ मेम्बर से मिले वगैरह वगैरह, जो आप व्लॉग में देख ही लोगे शायद। और गाइस बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं ऐसे एक नए ब्लॉग में।